हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहां पे इंडस टावर लिमिटेड क्वार्टर वन के रिजल्ट यहां पे निकल के आ चुके हैं। साथों ही साथ कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट भी किया हुआ है। कंपनी लगभग यहां पे क्या है 5.6 करोड़ के आसपास कंपनी का बायबैक एक्सेप्ट करेगी। शेयर्स में इतने का बायबैक के लिए ऑफर करने वाली है एंड करंट प्राइस 3,000 चल रहा है का, बट कंपनी ने बायबैक का प्राइस का अनाउंसमेंट भी किया है। 465 इसका बायबैक का प्राइस है एंड 9 अगस्त का इसका लास्ट डेट है फॉर दी लाइक बायबैक अप्लाइंग करने के लिए। सो ये एक्चुअली इसका डेट निकल के आया हुआ है। बाकी जो भी बायबैक के जो भी डेट्स वगैरह क्या बाकी हो, जो भी इसका रहेगा ना, आपको अपडेट मिल जाएगा आपको कल ही के दिन। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी क्वार्टर्स के नंबर यहाँ पे क्या निकल के आ चुके हुए हैं। डेटास कंपनी के मिलियंस में दिए हैं बट इसको हम क्या क्रोस में काउंट करेंगे। करंटली कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे दिया है। करंट क्वार्टर में कंपनी ने कितना 7,383 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कितना 7,193 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू का जनरेट किया था। सो क्वार्टरली वाइज लगभग हमको कितना 190 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, यहाँ पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ईयरली वाइज भी कंपनी के अगर आप बोलोगे तो जो रेवेन्यू है ना, यहाँ पे भी लगभग हमको कितना 308 करोड़ के आसपास क्या बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 के जून के क्वार्टर में कंपनी ने कितना 7,075 करोड़ के आसपास रेवेन्यू किया था, जो कि बढ़कर हो गया 7,383 करोड़ के आसपास क्या बढ़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कंपनीज के क्या टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। करंट क्वार्टर में कंपनी ने कितने का एक्सपेंस किया 2,837 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस किया था 3,090 करोड़ का। सो कंपनी के एक्सपेंसेस इफ अगर आप देखोगे ना, सो क्वार्टरली वाइज हमको लगभग कितना 253 करोड़ के आसपास का कम देखने को मिल रहा है। वही ईयरली बेसिस पे देखोगे ना, सो ईयरली बेसिस पे हमको लगभग कितना 725 करोड़ के आसपास कंपनी का जो एक्सपेंस है ना, ये कम देखने को मिलेगा। क्योंकि 2023 में कंपनी ने 3,562 करोड़ के आसपास एक्सपेंस किया था, जो कि घटकर हो गया 2,837 करोड़ का, जो कि कंपनी ने एक्सपेंस यहाँ पे देखा था तो कम किया हुआ है। बट कंपनी के प्रॉफिट्स में कुछ डिफरेंसेस नहीं आया हुआ, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट इफ अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। करंट क्वार्टर में कंपनी ने 1,925 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए, वही पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 1,853 करोड़ का। सो क्वार्टरली वाइज कंपनी के नेट प्रॉफिट अगर आप देखने जाओगे ना, सो 72 करोड़ के आसपास का कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी ईयरली वाइज भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगभग अगर आप देखोगे तो 518 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट का ईयरली वाइज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी इसका करंट प्राइस कितना, जो भी करंट प्राइस नहीं बट वो करंट प्रॉफिट जो है 1925 है, बट पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था 2023 के जून के क्वार्टर में 1,347 का। तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ते देखने को मिल रहे। साथ ही साथ कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस देखोगे तो क्वार्टरली प्लस ईयरली काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्या बढ़ता देखने को मिल रहा है। शेयर काफ़ी अच्छा इंडस टावर का, हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर आप ये शेयर होल्डिंग कीजिएगा। सो ये था कमी क्वार्टर वन का रिजल्ट। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।